एग्जाम है भाई, वो जो एक होटल है मतलब आपका भेनू भाई उन लोग शेयर करेगा। होटल वाला ने रिफ्यूज कर दिया तो अभी दूसरा होटल पे आया। होटल वगैरह अच्छे से ठीक से लेना सही इंसाइट किया ना भाई। सोचा था एक बार वीडियो करूंगा पर अंदर घुसते ही सिनेरियो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट भाई। यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक योर वाटर बोतल इनसाइड दी एग्जाम हॉल। बी श्योर कि आप खुद से कैरी करके ले जाइएगा पेंसिल वगैरह। हाँ भाई, लिसनिंग में एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा लाऊंगा 7-8। फर्स्ट पार्ट में ही जो क्या बोलते चाइनीज था, चाइनीज में बता रहा था कुछ। वैसे तो भाई साहब हमारा जाने की शुरुआत होता है सिलचर से, पर हमने सिलचर से वीडियो को स्टार्ट किए नहीं क्योंकि हमारे ट्रेन थे सिलचर प्रीवियस एक्सप्रेस एंड वो रात के 8 बजे को डिपार्चर हुए। एंड इस रात के अंदर हमें व्यूअर्स लोग को क्या ही दिखाए। एंड कल सुबह उठ के गुवाहाटी पहुंच के हमारा ब्लॉगिंग को स्टार्ट करेंगे ये सोच के हम सो जाते। सो गाइज इट्स द टाइम टू स्लीप, सो गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधा सुबह पे। एंड यहाँ पे है भाई दीपक, हालांकि इसका सीट ये अपर बर्थ नहीं है, मिडिल बर्थ है, पर पैसेंजर नहीं आया बोल के वो ऊपर सो रहा है। बाय बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। एंड फाइनली 12 घंटे का जाने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं गुवाहाटी पे। एंड गुवाहाटी पहुंचते ही हमारा रात के प्लान के मुताबिक हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा ब्लॉगिंग को। तो हे व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया भाई गुवाहाटी से। एंड लगभग थोड़ी देर पहले ही मतलब गुवाहाटी पे पहुंचे। वैसे आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हमारा गुवाहाटी पे फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी हम गुवाहाटी आए थे। एंड उस टाइम पे हमारा पर्पस था पासपोर्ट अप्लाई करना, इसी के साथ गुवाहाटी एक्सप्लोर करने का, और हमने एक्सप्लोर किए भी है। एंड बाकी इस बार का पर्पस कुछ और ही था एंड इस बार भी कुछ पर्पस है। एंड आई थिंक भाई इन दिस टूडेज बिजी वर्ल्ड आई थिंक पीपल डोंट गेट इनफ टाइम टू ट्रैवल विदाउट एनी पर्पस। सो इस बार का पर्पस कुछ ऐसा है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो IELTS का एग्ज़ाम है। एंड दोज हू डोंट नो व्हाट इज़ IELTS, let me tell you about IELTS. The full form of IELTS is International English Language Testing System. And आज का वीडियो इसका ऊपर ही होने वाला है स्पेसिफिकली। अभी ये सुन के मेरा रेगुलर व्यूअर्स लोग भाग मत जाना क्योंकि हो सकते है इस वीडियो में इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट ना हो पर इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होंगे। एंड हो सकते है आपको इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आ जाए क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। एंड बाकी जो IELTS के कैंडिडेट देख रहे वो तो भाई वीडियो को आखिर तक देखना ही देखना क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मेरा आखिर में मेरा रिजल्ट भी बताने वाले। एंड ये भी आपको बताने वाले कि जो मेरा एक्सपीरियंस के साथ मेरा रिजल्ट मैच होते या नहीं। एंड आखिर में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। यूट्यूब पे मैंने देखा है कि भाई इसमें बहुत रेयर वीडियो है ये IELTS के ऊपर। ऐसे वीडियो बहुत आई मीन इन द सेंस बोल रहा हूँ कि जैसे कि एग्ज़ाम देते वक्त कैसा स्टूडेंट फेस करता है, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आज पूरा बताऊंगा। आगे जाके मेरे साथ जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहूंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि भाई मेरे साथ आज कौन आया है। भाई दीपक, हाई कर दो भाई। तो पिछले बार मतलब शायर आया था तो सोचा कि इस बार दीपक को लेके आते क्योंकि सबका दिल रखना है भाई। और एक चीज़ बता दूँ कि भाई मतलब ट्रेन में ना भाई नींद अच्छे से होता नहीं क्योंकि एक तो भाई पासपोर्ट वगैरह है। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर दूसरा जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं आपका एग्जाम देने के लिए तो पासपोर्ट को भाई संभाल के रखना, बाकी आपका कपड़ा चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया था भाई, पासपोर्ट को अंदर में जो पेंट है ना उसमें एक चेन लगा हुआ है तो उसमें घुसा दिया था रात को। तो अभी फिलहाल जा रहे भाई मेरा होटल पर जहाँ पे मेरा एग्जाम वेन्यू है, जहाँ पे एग्जाम होगा, जहाँ पे मेरा एग्जाम है वो है भाई वो जो एक होटल है मतलब आपका वेन्यू भाई उन लोग शेयर करेगा। तो स्टेट यून आपका मैसेज जो मोबाइल नंबर देंगे या Gmail ID उसमें मैसेज आएगा कि आपका वेन्यू कहाँ पे है। तो मेरा वेन्यू भाई जो होटल राजमहल पे है, ये जो होटल देख रहे हो इसमें ऐसे ही भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हुए, नेचुरल है भाई। आप जितने भी सोच लो कि कॉन्फिडेंस रहूँगा फिर भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस आ जाता है भाई, ह्यूमन नेचर है। तो कल को मेरा LRW है आई मीन लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग है एंड नेक्स्ट डे को मेरा स्पीकिंग मॉड्यूल है। तो इसलिए सोचा कि एक बार आगे देख चला जाता हूँ तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस दूर रहेगा, कल टेंशन नहीं रहेगा भाई। होटल घूमना है वगैरह। फिलहाल का टाइम हो रहा है 7:30। सो फिलहाल जाऊंगा भाई कामाख्या टेम्पल को, वो मैं वीडियो में इंक्लूड करूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी है भाई। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच दोज वीडियोज विच आई ऑलरेडी पोस्टेड ओवर माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जो भी आगे होगा मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। 2000 years later. तो फिलहाल गाइस है हम लोग होटल पे एंड जिस होटल पे हमने स्टे कर रहे उस होटल का नाम है समथिंग सी से कुछ नाम है। और ये रहा भाई बाहर का कुछ व्यू। मतलब यहाँ पे होटल मतलब गुवाहाटी पे एक चीज़ है कि भाई चारों तरफ बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और बाकी तो आपको बहुत सारे मंदिर वगैरह तो मिलेंगे ही भाई। और होटल का तो और मत बताओ, हर एक मतलब एक दो दुकान के बाद ही होटल, सब सारा होटल ही है। एंड होटल वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। एंड 1200 रुपये लिया इस रूम का। बस मैंने ऑनलाइन पे बुकिंग करके आया था, पर नाइट का 600, 3 दिन का मेरे को 1800 रुपये पड़ा था, पर होटल वाला ने रिफ्यूज कर दिया। तो अभी दूसरा होटल पे आया, 600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। फिर भी कोई बात नहीं भाई, पहले वाला जो रिफंड वगैरह मिल गया वही सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि तो अभी ऑनलाइन में और बुकिंग वगैरह नहीं करूँगा, पूरा सीधा होटल चूज करके बुकिंग करूँगा, क्योंकि मेरे साथ इस बार पहली बार ऐसा दिक्कत हुआ ओयो से। तो ये वही कहना है कि आप ध्यान से वगैरह होटल वगैरह अच्छे से ठीक से लेना। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आई वांट टू शेयर विद यू गाइस जो दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट देयर IELTS एग्जामिनेशन। सो जैसे कि मेरा एग्जाम कल को है 1 अप्रैल, सो आज लास्ट डे है, एग्जाम का पहले का दिन है। तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा खासा एक नींद लूंगा, तो आप भी ढंग से एक नींद लेना भाई 7 से 8 घंटे का रात को। और अभी मैं एक पावर नैप लूंगा, उसके बाद रात को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, राइटिंग वगैरह का थोड़ा देखेंगे, और उसके बाद स्पीकिंग हमारा नेक्स्ट डे को उसका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कॉन्फिडेंस रहना भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एंड बाकी होटल का थोड़ा बहुत आपको सीन दिखा दे। ये रहा होटल में, यहाँ पे बाथरूम है गाइस, बाथरूम ठीक ठाक है। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, वार्डरोब वगैरह है, कपड़ा वगैरह रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे पढ़ाई के करने के लिए वो एक डेस्क है। ये रहा हमारा बेड, किंग साइज का बेड है 2 बंदे का। एंड यही है गाइस घर का कुछ सीन। एंड बाकी मिलते हैं आपसे सीधा सुबह को। सुबह में जो 2000 years later। सो गाइज आपको कह तो दिए हम नेक्स्ट डे करने वाले हमारा ब्लॉगिंग को स्टार्ट, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, जो कि आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके साथ हमारा IELTS का एक्सपीरियंस भी या बैठ के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारा जो एग्जाम का टाइम था वो 1 बजे को था, जो 10 बजे निकल चुके थे। निकलते ही भाई आ चुके थे फुल पावर बारिश, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब था। लगभग 12 बजने का 10 मिनट पहले में लगभग 12 बज चुके थे, वहाँ पे एग्जाम हॉल का सामने पहुँचा। एंड उसके बाद खाना वाना खाया, क्योंकि कुछ खा के नहीं घुसूंगा भाई, 4 घंटे का जैसा वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आई वॉज अबाउट टू लेट भाई। उसके बाद अंदर गए, उन्होंने फ़ोटो वगैरह DSLR से खींचा, मेरा पासपोर्ट और जो मेरा कैश मेमो था वो चेक किया। उसके बाद उन्होंने मेरा कैंडिडेट नंबर लिख के दिया, 7 to 8 डिजिट का समथिंग था। आप उसके बाद मुझे एक हॉल में बोला कि वहाँ पे बैठने के लिए। तो हॉल में जैसे ही इनसाइड किया ना भाई, सोचा था एक बार वीडियो करूँगा, पर अंदर घुसते ही सिनेरियो वाज कम्प्लीटली डिफरेंस भाई। मैंने सोचा नहीं था कितना ज़्यादा स्टूडेंट होगा, देयर वर ए प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सो थोड़ा बहुत नर्वसनेस आ गया था। एंड इन्विजिलेटर आया, हमने समझा के दिया सारा कुछ कि ऐसा ऐसा करना है, यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक योर वाटर बोटल इन साइड दी एग्ज़ाम हॉल, तो ऐसा समझाया। तो मैंने वॉच वगैरह सारा कुछ सबमिट कर दिया वहाँ पे। एंड इससे पहले मैंने बात किया कुछ स्टूडेंट से। देयर वर 2 स्टूडेंट स्टैंडिंग बिसाइड मी, दे वर फ्रॉम भूटान। सो 2 लड़की था एक्चुअली भाई। तो उसके बाद हमारा अच्छा एक कन्वर्जेशन हुआ। उसके बाद औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, उनसे बात हुआ सो कि मेरा फर्स्ट एग्जाम है, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस। सो इन लोगों ने भी बात किया। उसके बाद धीरे धीरे करके नर्वसनेस दूर होते गया, एंड हार्ट बीट भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका था। इसको वो बोल रहा है कि मेरा तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं कर रहा कि मैं एग्ज़ाम अगर फेल भी कर लिया तो मैं दोबारा अटैम्प्ट करूँगा। 15,500 लगता है भाई एग्ज़ाम देने के लिए। अगर अनटिल एंड अनलेस योर पेरेंट्स इज हैविंग ए लॉट ऑफ मनी देन इट इज़ ओके भाई। बट मेरा सिनेरियो कुछ और था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे पापा ने बहुत मेहनत से भाई 15,500 जुगाड़ करके दिया। सो मैं तो उसका टेंशन था कि मैं 15,000 कैसे बचाऊंगा मेरे पापा का। मैं 1 बजने वाले थे, उन लोगों ने बुलाया। सो हमने एक लाइन पकड़ के अंदर घुसा। सो एक आवाज़ भाई CCTV कैमरा वगैरह चारों तरफ लगा हुआ था। वैसे रूम बहुत काफ़ी ज़्यादा सही थे भाई, AC वगैरह थे, क्यों नहीं होंगे भाई 15,500 रुपीज़ दिया। पर एक चीज़ मुझे ख़राब लगा IDP का, जो वाटर बोटल दिया भाई 5 रुपये वाला वाटर बोटल था बिसलेरी का। एंड बाकी पेंसिल वगैरह उन लोग देता है, पर चिप क्वालिटी होता है भाई। तो आप बी श्योर कि आप खुद से कैरी करके ले जाइएगा पेंसिल वगैरह, इरेजर वगैरह सारा कुछ। बाकी आपको बताते कि एग्ज़ाम सही था भाई। लिसनिंग में एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा लाऊंगा 7-8। फर्स्ट पार्ट में ही जो क्या बोलते चाइनीज़ था, चाइनीज़ में बता रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं लिटरली में 5 जो क्वेश्चन था वो छोड़ ही दिया था, क्योंकि समझ नहीं आता क्या कैफीन्स मोबाइल नंबर वगैरह बोला, बहुत स्पीड से बोल रहा था। क्योंकि मैं घर में जो टेस्ट दिया कैम्ब्रिज बुक से, उसका जो लिसनिंग बोलने का जो मतलब स्पीड था थोड़ा सही था भाई, नॉर्मल था। पर वहाँ उसके बाद रीडिंग भाई वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल, आपको खैर पता भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था भाई। और मैं 3 पेजेस था, 1 आवर का टाइम रहता है, बड़ा एक प्रोजेक्टर रहता है, वहाँ पे टाइम शो करता है और 59 मिनट 58 मिनट उल्टा चलता है। तो यहाँ पे देखने से और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है। सो मैं उस तरफ देखा नहीं, मैं इस पास लिखते गया। सो 55 मिनट 1 घंटे का टाइम, तो 55 मिनट में 2 पेजेस कंप्लीट किया, और 5 मिनट में बस लास्ट का जो पेज है उसमें तुक्का वगैरह ला के चला गया। तो मैं पूरा डिसअपॉइंट था कि मैं इतना श्योर था कि मैं फेल ही करने वाला हूँ। मैं घर पे आया, होटल पे आया, बाद सो गया बस। एंड सो नेक्स्ट डे मेरा स्पीकिंग था भाई। सो नेक्स्ट डे स्पीकिंग का टाइम 10:20 को था। तो स्पीकिंग हॉल में मतलब मैं कोई प्रिपरेशन नहीं था, मुझे ऐसे ही पता चल गया था भाई एक मॉड्यूल में फेल कर ले तो सारा फेल हो गया, तो क्या ही करे भाई स्पीकिंग में इतना अच्छा करके। तो बहुत ज़्यादा नर्वस था भाई, मैं च्युइंगम चबाते रहा, आई वॉज च्युइंग दी च्युइंगम, सारा नर्वसनेस, सारा सब कुछ हेजिटेशन, सब कुछ मतलब जैसे ही मैं जो मेन रूम होता है भाई, जो टीचर बैठा होता है जहाँ पे, वह घुसते ही भाई सारा कुछ चला गया था। क्योंकि मेरा टीचर जो मैम था एक, इन्होंने मुझे वेलकम करते हुए लेके गया दरवाजा का सामने से, बोला था प्लीज़ टेक योर सीट, और लाइक इनका बिहेवियर कुछ अलग ही था। और बस स्माइल करते रहा मैम, गलत भी करूँ तो मैम स्माइल करते रहा। सो मुझे नर्वसनेस सारा कुछ चला गया था, मैं फ्लुएंटली बोला भाई, मेरा स्पीकिंग बहुत सही था भाई, लिटरली बता रहा हूँ। उतना तो सही नहीं होगा पर मुझे इतना उम्मीद था कि भाई कम से कम 7 पॉइंट तो मिलने वाला है, 6.5 तो मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जामों से निकलते ही मैं मामा को कॉल किया, मामा मेरा तो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया स्पीकिंग। सो मैं बहुत खुश हो गया था, पर फिर भी मेरा दुख हो रहा था कि भाई पिछले दिन में मेरा रीडिंग ख़राब गया तो फेल ही करने वाला हो। तो ऐसा दुख लेके घर पे पहुंच गया था भाई। 1 अप्रैल को मैंने एग्जाम दिया, 16 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया। अभी फिलहाल आपको रिजल्ट को शो करते हैं कैसा रिजल्ट आया। तो गाइज आज हमारा रिजल्ट रिलीज होने का दिन है, एंड एक्चुअली शाम को रिलीज हो चुका था पर ओपन नहीं किया भाई, मेल पे आया था ईमेल। सो बहुत ज्यादा डर रहा था भाई। अभी फिलहाल रात का अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे, अभी करने वाला थी। मेरा घर का जो माँ है भाई बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है कि मैंने सोचा था कल सुबह ओपन करूंगा, और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ते जा रहा है। क्लिक करने वाला हूँ। तो गाइस रिजल्ट रिलीज हो चुका है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर एक बात है कि भाई जैसे कि ओवरऑल 6 था 6 मिल चुका है, एंड रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा था। तो डर रहा था कि 5 मिलेगा या नहीं, क्योंकि मिनिमम पर रीडिंग में 6 मिल गया भाई, सब ठाकुर जी का कृपा है। एंड बाकी स्पीकिंग में तो मेरा 7 मिलने वाला था, पर इन्होंने 5 दे दिया भाई रिजल्ट में, क्योंकि पूरा फ्लुएंटली बोला था। कोई ग्रामेटिकल हो सकता है थोड़ा बहुत एरर, वो तो भाई नेग्लिजिबल है, आई डोंट नो भाई। हाँ मुझे शायद UR फाइल करना पड़ेगा। सो गाइज़ आप सबने तो मेरा रिजल्ट देख ही लिया। सो आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया कि मैं कितना ज़्यादा खुश और कितना नहीं। तो UR के लिए मैं परसों अप्लाई किया। पापा ने 12,200 चाहिए, तो पापा ने बहुत मेहनत से जुगाड़ करके दिया भाई। पापा ने बोला लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, मतलब कुछ आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ता है भाई आजकल। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि IDP का बिजनेस है। सो अभी UR लगाया तो भाई वो मेरा रिजल्ट सीधा जाएगा IDP का जो मेन सेंटर ऑस्ट्रेलिया पर जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के सीनियर लोग मेरा रिजल्ट चेक करेंगे। सो मेरा बैंड अगर इंक्रीज़ होता है, मतलब 0.5 भी अगर इंक्रीज़ हो जाए भाई, तो मेरा पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा। ओवरऑल सही है भाई, काफ़ी सारे कंट्री एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, पर कनाडा के लिए हो जाएगा, पर वीसा रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई। इसलिए अभी जो बैंड है वो बहुत लिमिटेड कॉलेज वगैरह ही है। सो लेट्स वेट फॉर द UR। सो विद इन 21 डेज़ मेरे को मिल जाएगा भाई UR का रिजल्ट। सो मेरा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी लाइक इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि आपका लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड किया, और हो सकता है कि आपका मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम या जो भी है आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके मेरा बात सुन के, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आने वाले जो दिनों पे मैं इन फ्यूचर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्लॉग्स भी आने वाला है।